एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद आकाश यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे गोबर के कंडे या उपले से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर किस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक गोबर का कंडा ले लिया है। इस तरीके से मैं एक गोबर कंडा लेना और वो इस तरीके से कि ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से तैयार होगा। ये फर्टिलाइजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, पौधों की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। मैं काफ़ी लंबे समय से इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ भी शेयर करा जाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए भी ये फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। ये फर्टिलाइजर की खास बात ये होती है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। एक दिन में ये फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है एकदम अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोगों को इस तरीके से ये फर्टिलाइजर किस तरीके से बनाना है, और साथ ही साथ मैं अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करके भी आप लोग को दिखाऊँगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अपने इन टमाटर के पौधों के ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने सीडलिंग से लेकर फ्रूटिंग तक का मैंने आप लोग को बताया कैसे 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 केयर करनी है हम लोग अपने टमाटर के पौधे की। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो टेरेस गार्डनिंग के लिए। अगर आप छत पर वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार जरूर शेयर करें, और अगर आप हम लोग के चैनल पे पहली बार है तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए गोबर का कंडा लेना होगा। आप लोग इसको उपला भी कह सकते हैं, हम लोग तो गोबर का कंडा कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को एक ये उपला लेना है, और हम लोगों को एक टब लेना होगा या आप खाली गमला ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने प्लास्टिक का गमला लिया, इसमें नीचे छेद बिल्कुल नहीं, इसमें हम लोग पानी भरेंगे। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, एक दिन के अंदर ही हम लोग का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो हम लोगों को करना क्या है, एक इस तरीके से कंडा लेना। कंडे का वेट हम लोगों को लगभग पता होना चाहिए। तो ये मैंने जो कंडा लिया इसका लगभग 200 ग्राम वेट है। इसका दुगना हम लोगों को पानी मिलाना होगा। जैसे मान लीजिए मेरा कंडा 200 ग्राम का है, तो हम लोग इसमें 4 लीटर पानी मिलाएंगे। अगर आप जो कंडा लेते हो आधा किलो का, तो आप लोग उसमें 10 लीटर पानी मिलाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ हम लोगों को यही ध्यान रखना, हम लोगों को पानी की मात्रा बिल्कुल ठीक रखनी है। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो हम लोग का ये जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप अपने पौधे में डायरेक्ट इस्तेमाल कर देंगे तो हो सकता है आपका पौधा जल जाए। तो आप लोगों को लगभग जितना वेट कंडे का है उसका दुगना हम लोग को पानी लेना होगा। तो ये हम लोगों ने खाली एक गमला ले लिया, और इसमें हम लोगों को इस तरीके से कंडे को रख देना है, और इसमें मैं 4 लीटर पानी मिक्स करूँगा। पानी हम लोग को नॉर्मल टैप वाटर लेना है, यानी जो टंकी में पानी होता है वही पानी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई एडिशनल हम लोग पानी में ऐसा कुछ नहीं मिला रहे हैं। तो ये मैंने पानी ले लिया, इसको इस तरीके से हम लोगों को मिला देना है इसमें। ये जो कंडा हम लोगों को ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसको नीचे हम लोगों को स्टोन की मदद से, पत्थर की मदद से दबाना होगा। रुके, मैं दबा देता हूँ। तो मैं इस कंडे को दो टुकड़े में तोड़कर इस बड़े से पत्थर से दबा दूंगा। ये देखिए, इस पत्थर से मैं इसको इस तरीके से दबा दे रहा हूँ नीचे। तो ये हम दब भी नहीं रहा है, इस तरीके से इसको नीचे मैं दबा दे रहा हूँ। लगता है इसमें थोड़ा और बड़े पत्थर से इसको दबाना होगा। रुके, मैं दबा दूँ इसको, फिर मैं आगे आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको ये बड़े बड़े पत्थरों से दबा दिया है। अब हम लोग को इसको इसी तरीके से 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। होगा क्या, जो हम लोग के कंडे में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, वही हम लोग के पौधे को एकदम अच्छे से ग्रोथ करने में मदद करेंगे। कंडे में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोगों के पौधे की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हम लोग के पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उसकी पत्तियों में काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है। तो बस इस तरीके से हम लोग इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग का ये जो फर्टिलाइजर लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को इस लिक्विड फर्टिलाइजर का अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करके भी दिखाऊँगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये अपना 24 घंटे बाद का अपडेट है। हम लोग ने जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। कंडे में जितने भी न्यूट्रिशन थे सारे पानी में आ गए, जैसे कि आप देख रहे होंगे। देखिए, पानी लगभग येलो येलो जैसा हो गया, इसमें सारे न्यूट्रिशन आ गए, पानी में डिजॉल्व हो गया बिल्कुल अच्छे से। अब हम लोग को ये जो पत्थर इससे हटाया था, हम लोगों को इसमें से कंडा निकाल देना। ये देखिए, ये जो कंडा है इसको हम लोगों को निकाल देना। इसको हम लोग दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाइए, इसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फ्रेश कंडे के साथ इसको मिला दीजिए तो ये एकदम अच्छे से काम करेगा। इसमें जितना और न्यूट्रिशन बचा होगा वो न्यूट्रिशन भी पानी में मिक्स हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बढ़िया हम लोगों का लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो गया। बस अब हम लोग को इसको अपने डायरेक्ट अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करना। इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा पानी मिलाया हुआ था, तो हम लोग को इसमें किसी एडिशनल पानी मिला देने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इसको हम लोग ग्लास में लेंगे और अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं इस फर्टिलाइज़र का अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर लेता हूँ।
तो ये देखिए, ये हम लोग के स्ट्रॉबेरी के पौधे, इससे पहले मैंने वीडियो बना के आप लोग दिखा जब मैंने ये पौधे लगाए थे, ये देखिए इसमें छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी आने लगी इस तरीके से। नीचे देखिए और भी फूल हैं, ढेर सारे इसमें फूल निकल रहे हैं, और ये वाले में भी देखिए छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरी लगने लगी है। ये देखिए एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी लग चुकी है। इसी तरीके से हम लोग के सभी पौधों में, स्ट्रॉबेरी के पौधों में बिल्कुल अच्छे से फूल आने लगे हैं और छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी लगने लगी है। तो इनमें हम लोग अपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि ये हम लोगों के स्ट्रॉबेरी पौधे काफ़ी ज़्यादा छोटे गमले में लगे हुए हैं। तो इसमें हम लोग 200 ml के आसपास ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो लिक्विड हम लोगों ने बनाई है 200 ml के लगभग ये लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। आप बड़े गमले में कर रहे हैं, अगर आप 10 इंच के गमले में मिला रहे हैं तो आधा लीटर के लगभग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं एक गमले में। तो ये देखिए, ये मैंने ग्लास में ये फर्टिलाइज़र ले लिया, बस इस तरीके से हम लोगों को पौधे को दे देना है। सेम इसको भी मैं इसी तरीके से ये फर्टिलाइज़र दे देता हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने सभी प्रकार के पौधों के ऊपर कर सकते हैं, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो या अपने नॉर्मल ऑर्नामेंटल प्लांट हो, सभी प्रकार के पौधों के ऊपर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग के पौधे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम लोग के फर्टिलाइज़र को किस तरीके से बनाना। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव तो नीचे मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको दबा के हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में कुछ और वीडियोज़ के लिंक आ रहे होंगे तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय टाटा।